कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी भूल भुलैया 3 कई दिनों से काफी चर्चा में है। फिल्म को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में विद्या बालन की एंट्री हो गई है। अब कार्तिक आर्यन की इस फिल्म में ओरिजिनल मंजुलिका नजर आने वाली है। फिल्म में विद्या बालन की एंट्री के बाद फैंस को अब अक्षय कुमार की एंट्री का इंतजार है। इसको लेकर ट्विटर पर भी ट्रेंड चला था। इन सब के बाद अब अक्षय कुमार की एंट्री को लेकर फिल्म के डायरेक्टर ने चुप्पी तोड़ दी है। तो आइए जानते हैं कि इस फिल्म में वो नजर आएंगे या फिर नहीं। भूल भुलैया 3 फिल्म का फैंस को लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। कार्तिक आर्यन के साथ साथ इस फिल्म में विद्या बालन की भी एंट्री हो गई है। विद्या बालन की एंट्री के बाद से अक्षय कुमार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म में विद्या बालन के बाद अक्षय कुमार की एंट्री की मांग की जा रही है। इसी बीच अनीस बज्मी का एक इंटरव्यू सामने आया है। अनीस बज्मी ने अभी हाल ही में एक बातचीत के दौरान भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार की एंट्री को लेकर चुप्पी तोड़ी है। डायरेक्टर ने कहा कि अक्षय कुमार भूल भुलैया 3 का पार्ट नहीं है। डायरेक्टर के बयान के बाद सभी अफवाह पर विराम लग चुके हैं। भूल भुलैया फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय कुमार लीड रोल प्ले कर रह चुके हैं, लेकिन फिल्म के दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया था। वही अब भूल भुलैया 3 में भी अक्षय कुमार की एंट्री नहीं होने वाली है। भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार की एंट्री नहीं होने पर दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।